बात कर रहे हैं हम अगले साइन की. अगला सन साइन है लिब्रा यानी कि तुला राशि का. तो देखती हूँ क्या कहते हैं तुला राशि के लिए इस सप्ताह के मेरे टैरो कार्ड्स. तो तुला राशि के लिए देखिए, तुला राशि के लिए थोड़ा सा हो सकता है आप किसी से नाराज़ हों. कोई नाराज़गी आपकी किसी से हो सकती है जिसके लिए आपने कुछ किया हो, किसी के साथ आपने समय बिताया हो, उसको काउंसिल किया हो, थोड़ी सी नाराज़गी हो सकती है. पर ये नाराज़गी टेम्परेरी होगी, आने वाले समय में आपकी ये नाराज़गी दूर हो जाएगी. ट्रैवलिंग का प्लान बनता हुआ नज़र आ रहा है, आप कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोच सकते हैं. इंटरनेशनल ट्रैवल होगा, ओवरसीज ट्रैवल होगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा. लेकिन एक बात और है, पिछला सप्ताह आपका थोड़ा सा अच्छा नहीं था, इस सप्ताह आपके ट्रबलसम पीरियड का एंड होगा बिल्कुल निश्चित रूप से. और लवर्स कार्ड कहता है पति पत्नी के रिश्ते होंगे प्रगाढ़. आप किसी भी डिसीजन को लेने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी आपको, आप डिसीजन ले पाएंगे अपने रिलेशनशिप को लेकर. अगर आपकी रिलेशनशिप में आपको डिसीजन लेना था कि आपको अपनी लव रिलेशनशिप को शादी में कन्वर्ट करना है तो वो भी आप ले पाएंगे. यानी मैरिड लोगों के लिए और अनमैरिड लोगों के लिए, लिब्रंस के लिए काफ़ी अच्छा है ये सप्ताह. अब मैं निकालती हूँ आप लिब्रंस के लिए इस वीक का जो है ओरेकल एडवाइस कार्ड. तो देखती हूँ क्या कहता है कार्ड. तो अबंडेंस, वेरी नाइस, दिस कार्ड इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल. अबंडेंस शोज दिस वीक इज़ फुल ऑफ अबंडेंस फॉर यू, यानी कि हर चीज़ आपकी फुलफिल होगी. प्रोस्पेरिटी लक है आपके साथ. नेक्स्ट जोडियक साइन है स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो के लिए कार्ड निकालती हूँ. स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कार्ड निकल कर आता है. पहला कार्ड तो बहुत ही अच्छा निकल कर आता है, थ्री ऑफ हार्ट्स का. कहते हैं कि आपको मौका मिलेगा किसी सेलिब्रेशन में जाने का, अपने दोस्तों के साथ समय बिताने का, तो उसे बिल्कुल मत छोड़िएगा क्योंकि आपको बहुत मज़ा आने वाला है अपने दोस्तों के साथ और फ्रेंड्स और आपके जितने भी अक्वेंटेंसेज हैं या कोई भी ऑफिस में आपके कोई गेट टुगेदर होता है तो उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए. फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं ना कहीं आपको कॉम्पिटिशन में डालता है किसी के साथ. अगर आप लव रिलेशनशिप में है तो हो सकता है आपको किसी रकीब का सामना करना पड़े, कोई और आपके जिसे बोलते हैं आपके लव इंटरेस्ट का दिल जीतने में लगा हो तो आपको उसके साथ कम्पीट करना पड़ सकता है. वहीं सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि अपनी बिलोंगिंग्स को लेकर रहे सावधान, कोई चीज़ खो जाने या फिर चोरी हो जाने का योग बनता है. तो आपको कहीं ना कहीं कोई उपाय भी करना चाहिए. तो मैंने आपको कई बार बताया है फेंग शुई टिप्स में, मैं बताती रहती हूँ कि आप ब्लू कलर के ड्रैग जो है राइनो एंड एलिफेंट्स का जोड़ा रखिए इस साल नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ताकि आपका जो बर्गलरी स्टार है वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके. चलिए आप लोगों के लिए मैं निकालती हूँ इस वीक का ओरेकल एडवाइस कार्ड. तो ओरेकल एडवाइस कार्ड कहता है कहीं ना कि आर्चेंजल मैंकल से आपको जोड़ता है, आपको भी फेरीज और एंजल्स की सहायता की ज़रूरत पड़ेगी. आप इस एंजल को याद कीजिए और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कीजिए, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपकी मनोकामना है. ये निश्चित रूप से है कि जब एंजल्स को याद किया जाता है तो वो लग जाते हैं आपकी इस मनोकामना को पूरी करने में. लेकिन याद रखिएगा, एंजल्स एंड फेरीज कभी भी जब तक आप ना मांगे आपकी कोई भी मुराद पूरी करने में नहीं लगती, तो इस बात का ध्यान रखिएगा. अगला सन साइन है सैजिटेरियस. तो सैजिटेरियस के लिए मैं निकालती हूँ इस सप्ताह के टैरो कार्ड्स. आप लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना होगा हेल्थ को लेकर, कुछ मेजर प्रॉब्लम आ सकती है या आपको या आपके किसी खास व्यक्ति को, आपको काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है. और आपको मैं बिल्कुल बोलूँगी कि आप अपने सर से नारियल बाहर कर जलते हुए चलिए आप बात करते हैं सैजिटेरियस की. तो सैजिटेरियस के लिए जो कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं कहीं ना कहीं आपको सावधान रहने के लिए बोल रहे हैं. इस सप्ताह आपको रहना है सावधान अपनी हेल्थ को लेकर, अपने लव्ड वन की हेल्थ को लेकर, क्योंकि ये सप्ताह आपको थोड़ा सा परेशानी का कारण बन सकता है. जो भी प्रॉब्लम आएगी मुझे हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा नज़र आ रही है. देखिएगा, आपको मैं जो हमेशा एक उपाय बताती हूँ कि सर से सात बार नारियल को फेर कर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें तो आपकी जैसे बोलते हैं इस कष्ट को आप दूर करने में जरूर सक्षम हो पाएंगे. वहीं दूसरा कार्ड मुझे लगता है किसी से उलझ सकते हैं अपनी बात को प्रूव करने में. आपका व्यू पॉइंट ठीक है, आप वो डाउन कर सकते हैं और अगर आप किसी को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, हो सकता है आर्ग्यूमेंटेटिव रूप में भी आपको एक्सप्लेन करना पाए तो आपको सक्सेस मिल जाएगी. वहीं सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आपको मार्केट से
थोड़ा सा आपको हो सकता है अपोजिंग फोर्सेस हों, आपको कंपटीशन का सामना करना पड़े, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है काफ़ी स्किलफुल हैं, आप इस कंपटीशन का अच्छे से सामना कर पाएंगे और सक्सेस लक को प्राप्त कर पाएंगे। तो आप सेजिटेरियस राशि वालों के लिए इस सप्ताह का ओरेकल एडवाइस कार्ड भी मैं आपको बता देती हूँ। मेक म्यूज़िक, यानी कि आपके लिए म्यूज़िक से जुड़े रहना, संगीत से जुड़े रहना, आपको जो किसी भी उपकरण को बजाना, खुद प्ले करना, ये आपके लिए इस सप्ताह का ओरेकल एडवाइस कार्ड है। तो आप म्यूजिक प्ले कीजिए, मेक म्यूजिक। अब बात कर रहे हैं हम कैप्रिकॉन की। कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह क्या है, चलिए देखती हूँ। मेरे टैरो कार्ड्स में कुछ लग रहा है चेंज हो रहा है, क्योंकि आपका निकल कर आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपके समय को बदल रहा है, और ये समय तो बहुत अच्छी तरह बदल रहा है, क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि अब आप प्राप्त करेंगे सक्सेस को अपने खुद के टैलेंट के बलबूते पर। आप काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड इंसान हैं, लेकिन शायद आपने अपने टैलेंट को अभी तक यूज़ ही नहीं किया। ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको बताता है कि आपके कोवर्कर्स भी आपकी काफ़ी सहायता करेंगे आपके काम में। वहीं क्वीन ऑफ हार्ट्स का कार्ड कहता है कि आपके जीवन से जुड़ी हुई एक महिला, जो कि माता हो सकती है, आपकी पत्नी हो सकती है, या आपकी बहन हो सकती है, या कोई खास फ्रेंड, वो काफ़ी सेंसिटिव होंगी आपको लेकर, और आपको अगर उनसे कोई एडवाइस चाहिए तो वो आपको करेक्ट एडवाइस भी देंगी। तो आप लोगों के लिए, कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए इस वीक का कार्ड निकल कर आता है विजुअलाइजेशन। देखिए इस कार्ड को, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड विजुअलाइजेशन, जो कहता है कि आप जो चाहते हैं आपके जीवन में हो उसे कीजिए विजुलाइज। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि आप हर चीज़ को विजुलाइज कीजिए। अगर आप चाहते हैं आप फेमस हो, तो आप आंख बंद कीजिए और विजुलाइज कीजिए कि आप बहुत फेमस हो गए। आप जिस तरह से फेमस होना चाहते हैं वैसे फेमस कीजिए। अपने अटायर को बिल्कुल सेलिब्रिटीज की तरह इमेजिन कीजिए। आप बहुत बिजी हैं, लोग आपके पास आके आपको मिल रहे हैं, ऐसी इमेजिनेशन कीजिए, और देखिएगा ये ज़रूर होगा आपके साथ कि आप फेमस हो जाएंगे। अब बात करते हैं अगले जोडियक साइन की, एक्वेरियस की। तो एक्वेरियस के लिए निकालती हूँ मैं कार्ड्स। तो एक्वेरियस के लिए जो कार्ड निकल कर आया है वो तो बहुत ही सुंदर कार्ड है। किसी कोई आपके जीवन में आपसे जुड़ने वाला है, अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में किसी की एंट्री होती हुई नज़र आ रही है, और जो लोग शादीशुदा हैं उनके रिश्ते में मुझे लगता है ताजगी आ जाएगी और रिश्ता बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। आप किसी चीज़ की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो अभी प्रतीक्षा और करती होगी अपने, जैसे किसी ऑफर लेटर का वेट कर रहे हैं तो अभी ऑफर लेटर आने में लगेगा थोड़ा सा समय। अपने क्रोध पर नियंत्रण कीजिए। प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि आप अपने गुस्से में काफ़ी ज़्यादा इंपल्सिव हो जाते हैं, और आपका इंपल्सिव होना आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। अपने इंपल्सिस को कंट्रोल रखिए, संयम से काम लीजिए, तभी आपको मिलेगा कोई भी सक्सेस का चांस। चलिए आप लोगों के लिए भी निकालती हूँ मैं इस सप्ताह का वीकली ओरेकल कार्ड। तो ओरेकल कार्ड निकल कर आया है किक अप योर हील्स, यानी कि उठिए, आप काम कीजिए, आप बैठे बैठे रहने से काम नहीं चलने वाला, और आप बिल्कुल दौड़ भाग कीजिए, तभी देखिएगा आपको काम में सक्सेस मिलेगी। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि यानी कि पाइसिस। तो आपके लिए मैं टैरो कार्ड्स निकालती हूँ इस सप्ताह के। तो जो तीन कार्ड मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं, देखिए आपका वैसे तो वीक काफ़ी अच्छा गया होगा पिछला, लेकिन इस वीक आपको अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, या हो सकता है आपके जीवन से जुड़ी किसी महिला की हेल्थ आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। अच्छा देखिएगा, एक कार्ड ये जो निकल कर आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का, ये कहीं ना कहीं मुझे ये भी बताता है कि आपको अपने जीवन में कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होकर चलने की ज़रूरत है। इमोशनल ग्राउंड्स पे आप बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे, कुछ प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। और एक कार्ड निकल कर आता है मून का, जो बताता है कि अगर आप किसी भी ऐसे रिश्ते में हैं जो कि अनैतिक है, तो उस रिश्ते से थोड़ा सा अपने आप को किनारा कर लीजिए, वरना उसका परिणाम नहीं होगा अच्छा। ये कार्ड कहीं ना कहीं छुपे हुए दुश्मन दिखाता है, जो कि आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आ पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको सावधान रहने की इंडिकेशन दे रहा है। आप रखिए अपने वर्क डेस्क पर एक रूस्टर, ऑफिस पॉलिटिक्स से अपने आप को बचाने के लिए और आपको पोस्टेड रखने के लिए आपको रूस्टर रखना चाहिए। उसकी बीक को अपनी तरफ पॉइंटेड करके रखिए, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपका रूस्टर देता रहे। आपके लिए भी चलिए मैं निकालती हूँ आपका ओरेकल एडवाइस कार्ड इस सप्ताह के लिए। तो आपके लिए कार्ड निकल कर आता है नेचर। ये बहुत ही सुंदर कार्ड है, और ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको ये एडवाइस दे रहा है कि आपको नेचर में समय बिताना चाहिए, प्रकृति में के बीच में जाना चाहिए। आप एक छुट्टी ले लीजिए, मान लीजिए 2 दिन के लिए आप पहाड़ों में चले जाइए, या फिर किसी
कोस्टल एरिया में जाइए और समुद्र के किनारे नेचर में अपना समय बिताइए। देखिए ये सप्ताह आपके लिए नेचर पे जाने के लिए एडवाइस है। अगर आप कहीं जा नहीं सकते तो किसी अच्छी जगह पर जाकर मॉर्निंग वॉक ही कर लिया कीजिए किसी गार्डन में, तो आपके लिए ये सप्ताह में गुड लक के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये था मेरा खास प्रोग्राम टैरोट रीडिंग विद ज्योति अरोड़ा। मैं आशा करती हूँ आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें और फेसबुक पेज पे इस मेरे पेज को लाइक करें और शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका वीक अच्छा जाए इसी कामना के साथ लेती हूँ मैं आपसे इजाज़त। नमस्कार।